He has researched Dalit writings, produced critique of social design and hierarchical practices in Bhakti or Mukti literature in Indian vernaculars for last 10 years and shared it in conferences held in India and abroad. He has presented papers in conferences organized by centers of higher education at Oxford, London, Norwich, Beirut, Indiana University, USA, India, Gateway, Pune and Delhi. He has produced several short documentaries and feature films. He is the editor of two YouTube channels, Dalit Voice and Vision, and Rehearsal and Advisor, and he is also the advisor to Dalit magazine called Magar. He is coordinator of the Center for Performing Arts and Cultural Studies in MAC, University of Delhi. His published works include critical papers on Dalit literature, Kabir, poetry, short stories for social medieval drawings, book cover designs, digital paintings, photographs and films. List is endless. He also conducts workshops on Dalit arts, visual design, film appreciation, performing arts and photography and filmmaking. He is also associated with the University of London in USCL based projects on practices of discrimination and distress in higher education. In theatre, he is a practitioner of the theatre of the oppressed. This is a new form of theatre in fact, because I did not know before he told me that there can be a theatre of the oppressed, because I thought that theatre is just theatre. I never knew that there is something, a world called theatre of oppressed. So I am also keen to know about it. So now I would like to formally welcome Professor Vinod Verma for the formal lecture. आप आजाद हो जाए और आजाद होने के बाद में आपके भीतर आपकी आत्मा या आपकी सेल्फ भी आजाद हो, वो गुलाम रह सकती है। तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो सेल्फ है या हमारी जो माइंड की ट्रेनिंग है, उस माइंड की ट्रेनिंग को हम कैसे सोसाइटी से और हायर एजुकेशन के साथ में जोड़े। ओके, सो नाउ द पॉइंट इज दैट ये सवाल, सेल्फ का सवाल केवल आपका निजी व्यक्तिगत सवाल नहीं है, ये सवाल समाज से जुड़ा हुआ है और ये सवाल फिर आपको किस तरह से एजुकेशनल परफॉर्मेंस में प्रभावित करता है, वहां इसकी उसके लिंक्स हैं। तो सेल्फ को यदि हम देखें तो बड़े रूप में ये कह सकते हैं सेपरेटनेस। ठीक है, सेपरेटनेस से मतलब ये है कि आपने अपने आप को अन्य से भिन्न करना सीख लिया और अब आप ये कह सकते हैं कि हाँ भी मैं हूं, मेरा नाम है, मेरी आइडेंटिटी है, ये इसको सेल्फ के रूप में हम पहचान सकते हैं। अब आगे देखेंगे कि क्या हम सेल्फ के साथ पैदा होते हैं, यानी यदि हमारा नाम, हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी और हमारा सेपरेट रहने का भाव कि हाँ हम आपसे अलग हैं, अलग से मतलब ये है कि हाँ मुझे आप इस तरह से पहचान सकते हैं, तो क्या ये जो भाव है, ये भाव हमारे अंदर पैदा होने के साथ आता है? दुनिया की कोई भी बायोलॉजिकल और कोई भी साइंटिफिक रिसर्च ये नहीं कहती है कि आपके अंदर आपके सेपरेट होने का भाव, आपके आप ब्लैक हैं या आप SC ST हैं या आप अपर कास्ट हैं या आप महिला हैं या आप ये कोई भी भाव आपके साथ पैदा होने के साथ में पैदा नहीं होता। पहली बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, हमें बिल्कुल इस बात को रिजेक्ट करना चाहिए कि कोई ऐसा जेनेटिक्स होता है जो हमें ये बनाता है। दुनिया की कोई रिसर्च इस बात को सपोर्ट नहीं करती कि जेनेटिक्स का हमारी पहचान के साथ में या हमारे ज्ञान के साथ में कोई संबंध है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अफ्रीका में मान लीजिए युगांडा है और युगांडा और जिम्बाब्वे है, तो वहां दोनों जगह ब्लैक पॉपुलेशन मिलेगी
लेकिन उन ब्लैक पॉपुलेशन के बीच में जेनेटिक डिफरेंस इतना ज्यादा है कि युगांडा के ब्लैक का और फ्रांस के वाइट का जेनेटिक गैप इतना नहीं है जितना युगांडा और जिम्बाब्वे के ब्लैक का है। एक और उदाहरण देता हूं, एक अदाकारा का है, इंग्लैंड में रहती हैं। उनकी माँ ब्लैक और फादर वाइट, तो मतलब जब वो बड़ी हुई थोड़ी और स्कूल गई तो स्कूल में वाइट नंस थे सभी, और वो जो बताती थी कि मैं कौन हूँ तो कोई इस बात को इजीली एक्सेप्ट नहीं करता था कि इस रंग की जो ब्राउन थी वो, अब ऐसा भी हुआ दुनिया के अंदर कि एक ब्लैक माँ और एक वाइट फादर से जो संतानें उत्पन्न हुई उनका कलर ब्राउन था, लेकिन उनमें बाल अफ्रीकन जैसे थे, आंखें फिर अफ्रीकन जैसी थी, लेकिन नाक वाइट थी, अब वाइट के जैसे लुक की थी। अब ये जब ऐसा बालक हुआ तो स्कूल में सवाल उठा कि तुम हो कौन, तो ये ब्लैक है ना ये वाइट, तो उस आदमी का, उस बच्चे का नाम रखा गया, लेकिन नाम के साथ में वो कभी बिलोंग नहीं कर पाया, उसका रिश्ता नहीं बना, और वो पूरा स्कूल सिस्टम उसको, उसके सेल्फ को हरदम डिस्ट्रॉय करने में ही लगा रहता था। एक एग्जांपल है, यही बच्चा बड़ा होकर के 16 वर्ष की उम्र एक डांसर बनता है और इतना बेहतरीन डांसर बनता है कि उसके डांस की पूरी दुनिया भर में चर्चा होती है। फिर उसे एक फिल्म मिल जाती है खराब स्किल में और वो फिल्म अदाकारा बन जाती है और वो इतने तरह तरह के रोल करती है कि बहुत जबरदस्त। लेकिन वो कहती थी कि जब भी मैं लौट के आती थी डांस करके घर पे तो मुझे बेचैनी होती थी, मुझे ये समझने में बहुत मुश्किल होती थी कि मैं हूं कौन, और जब मैं फिल्म करके लौट के आती थी तो मुझे समझने में बहुत मुश्किल होती थी कि मैं हूं कौन। तो सेल्फ ने कभी उसका पीछा नहीं छोड़ा, एक तरफ वो आगे बढ़ रही थी, दूसरी तरफ हर कदम पे उसके साथ में एंजाइटी और उसके साथ में अंदर एक टूटन लगातार बनी रहती थी। अब मान लीजिए कि हमें किसी तरह की बहुत सारी सुविधाएं मिल गई और हम उनको लेने गए, लेकिन हमारे पास में हमारी सेल्फ नहीं है, तो क्या हम उसे ले पाएंगे, सवाल है, एक सवाल है। यदि वो सेल्फ नहीं है तो, और वो सेपरेटनेस नहीं है, मैं बाद में आऊंगा कि ये सेपरेटनेस किस तरह से हमें छोड़नी भी पड़ेगी आगे जाके, क्योंकि यदि हम दुनिया के अंदर, जैसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नाम रखा वी आर ए फैमिली, तो मैं उसको सपोर्ट करता हूं कि हाँ वास्तव में फैमिली है, लेकिन फैमिली क्या तब बन सकते हैं जब हम सेपरेट हैं, हमारे बीच में भेदभाव है। सेपरेशन का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेशन तरह तरह के, तुम काले हो, मैं गोरे हो, तू महिला हो, तुम पुरुष हो, तुम नीच हो, तुम ऊंच हो, तुम ये हो, तुम ये हो, ये सारी चीजें होगी तो हम फैमिली कैसे होंगे। तो सवाल ये है कि हमें अंततः फैमिली तो बनना ही पड़ेगा, ये तो हमारी फेट है कि वी नीड टू फाइनली बिकम अ फैमिली एंड वी हैव टू गो बैक टू वननेस। वननेस का मतलब ये है कि जहां, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर वननेस का भाव होता है, हमारा नाम नहीं होता है, हमारी जाति नहीं होती है, हमारा धर्म नहीं होता है, हम क्या होते हैं, हम इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर बिल्कुल अलग एक टुकड़े नहीं होते, हम उसके अंदर इंटीग्रली इंटीग्रेटेड होते हैं, यानी हम उसी के हिस्से होते हैं। आप सब जानते हैं कि हम सब लोग इसी पृथ्वी की मिट्टी और पानी से बने हुए हैं, इसी में लोग जाते हैं, तो किसी को भ्रम तो नहीं है हम में से कि हम सेपरेट हैं, हमारी अपनी एक बहुत बड़ी पहचान है, ऐसा तो कुछ नहीं। लेकिन ये सवाल तब उठता है जब पैदा होने के बाद में हमें कई तरह की श्रेणियों में, कई तरह की हायरार्कीज के अंदर बांटा जाता है और हमें वहां खड़ा किया जाता है कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, और वहां से शुरू होता है एक नया सफर
जिसे कहते हैं सेल्फ। तो सेल्फ का निर्माण, इसका मतलब न्यू बोर्न बेबीज के अंदर नहीं होता है, वो सेपरेट नहीं होती हैं, और वननेस होती है जो कि फाउंडेशन सेंस है। वननेस वास्तव में फाउंडेशन सेंस है, असल में हम सब लोग अलग नहीं है। क्यों अलग नहीं है मैं बताऊं, हम सब इस जगह जिंदा है ऑक्सीजन के कारण, और आप सब इसी जगह की सारी ऑक्सीजन को एक साथ ले रहे और दे रहे हैं ऑक्सीजन। अब मेरी ऑक्सीजन और मेरे कार्बन डाइऑक्साइड क्या ये नहीं ले रहे हैं, क्या आप नहीं ले रहे हैं? तो सवाल क्या है, हम सब एक ही समुद्र के अंदर सांस ले रहे हैं, वही सांस छोड़ रहे हैं। वननेस तो है, वननेस तो है, मतलब सेपरेशन नहीं है। लेकिन इसके साथ में हमें कौन सी ऐसी चीज है जो अलग करती है? अलग करती है हमारा नाम, अलग करती है हमारी जाति, अलग करती है हमारी वर्गीय स्थिति, अलग करती है हमारी गरीबी, अलग करती है हमारी अमीरी, अलग करती है हमारे पास कार है या नहीं है, अलग करती है कि क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ, अलग करती है कि मेरा इतिहास क्या है, अलग करती है कि मेरे दादा कौन थे, मेरी दादी कौन थी, अलग करती है कि मैंने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, कितने महंगे हैं, अलग बहुत सारी चीजें अलग करती है। और ऐसी कौन सी चीजें जो अलग नहीं करती, वो है इसी जगह इसी ब्रह्मांड के अंदर एक ही जगह सांस लेना। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस इंपॉर्टेंट सवाल के साथ में जो हमारी इनिशियल स्टेज है वो ओवर हो जाती है। हम पैदा हो जाते हैं, सांस इसी जमीन पर ले रहे होते हैं, लेकिन दिमाग में घुटन रहती है, और धीरे धीरे वो घुटन आपकी सांस में भी आने लगती है, और आपको ये भी कहा जाता है कि यहां आप सांस नहीं लेंगे, आप वहां जाके लेंगे। इसका हजारों साल का अस्पृश्यता का अंत चुंबनी का इतिहास है, सांस आप कहां लेंगे, पानी आप कहां पिएंगे, ये सारी चीजें हैं। तो सवाल ये है कि हम जब तक इस इशू को नहीं समझेंगे, हमारे एजुकेशनल जो परफॉर्मेंस है उसमें मेरे हिसाब से बदलाव नहीं आएगा। हमें ये जानना ही पड़ेगा कि हमारी फाउंडेशन क्या है, हमारी सेल्फ की फाउंडेशन क्या है। वो यदि हम समझते हैं तो ऊर्जा का विस्फोट हो सकता है, और मनुष्य और तमाम तरह के प्राणी इस पृथ्वी के ऊपर जो है वो असल में बहुत ही मिराकुलस है, मैजिक, जादू है, जीवन मैजिकल है। क्यों मैजिकल है? कि थोड़ी बरसात हुई, कुछ हुआ और पता चला यहाँ कुछ उग गया, हरा हरा कुछ पत्ते उग रहे हैं, कहां से आया ये? क्या ऐसा कोई जादूगर भी कर सकता? आप कुछ दाने डाल दीजिए, कुछ दिन बाद देखिए उनका अपना रूप, उनकी चीजें हवा से घूमते हुए पता नहीं कहां से चीजें आ जाती। सो डेफिनेटली वी लिव इन अ मैजिकल वर्ल्ड, without any doubt we live in a magical world, the world full of life prizes। लेकिन इस तरह के वर्ल्ड के अंदर हमारी जो एग्जिस्टेंस है, उस एग्जिस्टेंस के अंदर हमें इस बात को बड़े गौर से देखना पड़ेगा कि हम अपने आप को इस पूरे सोशल स्ट्रक्चर के साथ, सेल्फ और सोशल या सोसाइटी, सोसाइटी वो हिस्सा है जो पैदा होने के बाद में आपके साथ में आता है। जो मैंने बताया आपको कि आपके नाम से लेकर के आपका काम, आपके इतिहास, आपके तमाम तरह के रंग, आपके तमाम तरह की चीजें, वो सोशल सोसाइटी का हिस्सा है। यदि आपका सेल्फ और आपकी सोसाइटी के बीच में क्लैश है, कॉन्फ्लिक्ट है, और वो वननेस की तरफ लेकर नहीं जाती है आपको, तो ये हो सकता है। और ये यदि डाटा कलेक्ट होगा तो इसका एविडेंस भी मिलेगा कि हमारा परफॉर्मेंस गिरेगा, हमारा परफॉर्मेंस गिरेगा, वो आगे नहीं जा सकता। हाँ, ये नहीं कि मुझे भूख लगी हुई और मेरे सामने कुछ भी आएगा मैं खा लूंगा, जैसे मुझे पियोन का जॉब मिल गया मैं ले लूंगा, या मुझे रिक्शा चलाना पड़ा वो चलाऊंगा। लेकिन यदि मुझे और मेरे तमाम दूसरे लोगों को अपनी पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना है, तो वो एक्सप्लोर तभी हो पाएगा जब मेरा सेल्फ और सोसाइटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जोन मुझे समझ में आएगा। यदि मुझे वो कॉन्फ्लिक्ट जोन समझ में नहीं आता है, तो मैं अपनी अंदर अथा एनर्जी का, अथा ऊर्जा का विस्फोट नहीं कर सकता। अब ये बड़ी अजीब सी बात लगती होगी, क्या विस्फोट होता है, क्या चीजें होती है, ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, कोई आइंस्टीन होता है,
ऐसा क्यों होता है कोई विवेकानंद होता है, ऐसा क्यों होता है कोई शंकराचार्य होता है, ऐसा क्यों होता है कि कोई अंबेडकर होता है? कोई विस्फोट तो होता ही होगा, तभी तो होता होगा, लेकिन वो विस्फोट कैसे होगा? हम उस कॉन्फ्लिक्ट जोन को हमें जानना पड़ेगा। अब देखिए आगे इसमें, सेल्फ इज अ प्रोजेक्शन। नाउ सेल्फ इज अ प्रोजेक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि सेल्फ कोई पैदाइशी चीज नहीं है हमारे साथ, इसलिए मैं सेल्फ को सोल से अलग करूंगा, एस को यू एल, सेल्फ को सोल से अलग करूंगा। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो, मैं जब सेल्फ कह रहा हूं इसका मतलब सोल नहीं है। सोल के ऊपर बहुत तरह की थ्योरीज है, वो अंदर भी रहती है और बाहर भी रहती है और पुनर्जन्म भी होता है और पता नहीं क्या करता, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो मेरा इलाका नहीं। मैं एक शिक्षाविद की तरह से, साइकोलॉजिस्ट की तरह से, सोशल साइंटिस्ट की तरह से, एक विचारक की तरह से दुनिया में जो रिसर्च हो रहा है वहां से बात कर रहा हूं, और सेल्फ को मैं प्रोजेक्शन मानता हूं। प्रोजेक्शन मींस जैसे इस में से जो लाइट आ रही है, ये लाइट यहां प्रोजेक्ट हो रही है, इसी तरह से सेल्फ, तो समाज एक तरह से लाइट है और आपका सेल्फ प्रोजेक्शन है, यानी सोसाइटी ऐसी लाइट डालती है आप पे, वो लाइट वननेस की कहां डालती है? वो डालती नहीं, वननेस की लाइट सीधा डालती एकदम, या तो जाति की डालती या एकदम गरीबी की डालती या आपको एकदम महान बना के डालती है, मतलब वो लाइट जो डालती है उस लाइट से आपका प्रोजेक्शन होता है। सो माई डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इज दैट इट इज अ प्रोजेक्शन, इट इज अ प्रोजेक्शन एंड पीपुल्स प्रोजेक्शन। मेरी सेल्फ आपकी मनस्थिति में निवास करती है, मेरे पास नहीं है। आप यदि सभी मुझे अभी कुछ कहना शुरू करें और आप ये कहना शुरू करें सब लोग मिलके कि ये आपने क्यों पहन रखा है, ये एक टीचर को शोभा नहीं देता है, आपने बालियां क्यों पहन रखी है, क्या एक विश्वविद्यालय के टीचर को बाली पहननी चाहिए? यदि आप सब लोग ये कहने लगेंगे अभी मेरी सेल्फ यहां गिर जाएगी एकदम। क्यों गिरेगी? क्योंकि मेरी सेल्फ मेरे पास थोड़ी है, मेरी सेल्फ तो आपके पास है, आप जो बनाएंगे प्रोजेक्शन है, दिस इज अ प्रोजेक्शन, इट्स नॉट इन मी, देयरफॉर आई डिफरेंशिएट इट फ्रॉम सोल। तो मेरी सेल्फ यदि आपके पास है और आप इसके कस्टोडियन हैं, तो मेरा कंट्रोल, मेरा रेगुलेशन भी आपके पास है, और मेरी परफॉर्मेंस, मेरी प्रगति वो भी आपके पास है, और आप जो जिस तरह से ढालेंगे वैसे मैं बन सकता हूं। लेकिन यहां एक पेच आता है कि सेल्फ बदलती रहती है, चेंज होता है, तो आपका कंट्रोल कुछ दिन तो चल सकता है मेरी सेल्फ पे, लेकिन जब वो बदलेगी, कैसे बदलेगी? आपने एक दिन मुझे कहा इसके लिए, मैं चुप होकर बैठ गया, बिल्कुल ठीक है, मैं तो थोड़ा अबनॉर्मल किस्म का आदमी हूं। फिर आपने इसके लिए कहा, मैं चुप होकर बैठ गया, आपने कहा अबनॉर्मल किस्म का आदमी है। फिर आपने मिलकर ये कहा सबने कि वो आ रहा है अबनॉर्मल, चुप होकर बैठ गया। फिर आपने धीरे से कुछ लोगों ने मिलकर कहा अरे वो तो मैड भी है, तो चुप होके बैठ गया। फिर आपने कहा अरे इसकी जासूसी करो, जात क्या है इसके पता नहीं, बोला वही निकला ना ये, हाँ वही ठीक है, अभी पता था क्योंकि ऐसी हरकतें और कोई कर नहीं सकता, ठीक है। अब आप ये समझिए यदि इस तरह का एक पूरा डिस्कोर्स चलेगा, तो मैंने 5-6 तरह के अनुभव, एक में मुझे गुस्सा आ रहा है, एक में मैं डिप्रेस हो रहा हूं, एक के अंदर, लेकिन इतने में कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा सर यू लुकिंग स्मार्ट ग्रेट वी लव यू, ऐसे भी लोग मिले मुझे, तो थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि यार स्ट्रॉन्ग भी हूं। ओके, फिर अचानक कुछ लोग मिले, उनका सर आज तो शाम को डांस कर, हमने कहा ठीक है,
बोला सर वो ला दुपट्टा लेगा ना जिसमें बहुत रंग है। मैंने कहा बहुत अच्छा, आप दुपट्टा लेके पहुंचे और डांस बहुत बढ़िया हो। तो हमें लगा कि हाँ हमारे अंदर भी है। तो हम कितनी चीजों से गुजरे, घृणा से, दमन से, खुशी से, स्ट्रेंथ से। तो हमें पता चला कि सेल्फ सिंगल नहीं रहती, बदलती है। ये बदलती है बशर्ते कि आप अपना ऑडियंस एक जैसा ना रखें। आपके सेल्फ के बनाने वाले और आपकी सेल्फ के खरीदार एक जैसे नहीं होने चाहिए, वो फैले होने चाहिए पूरी दुनिया भर के अंदर। और सबसे बड़ी त्रासदी ये होती है कि नॉर्मली आपकी सेल्फ के बनाने वाले जो लोग होते हैं वो एक खास किस्म का घेटो होता है, खास किस्म का भेड़ तंत्र होता है, खास किस्म का पशुवाद होता है जो आपको टर्न करना चाहता है उस एक चीज के अंदर। वहां से आप निकल नहीं सकते। और मैंने ऐसे हजारों स्टूडेंट्स देखे हैं, मेरा 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 30 इयर्स से ज्यादा में टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने नर्सरी से लेकर के रिसर्च लेवल तक और एकदम गांव ठेठ से लेकर के ऑक्सफोर्ड तक बहुत तरह के काम किए हैं। और मेरा अनुभव है यदि आप किसी को खत्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और उसे यदि रास्ता नहीं पता है तो आप एक मिनट में कामयाब हो जाएंगे। और ये मुझे बहुत खुशी है कि हम सब लोग यहां बैठे हैं और रास्ते की तलाश किए बैठे हैं। ये रास्ता जो होता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यदि नहीं मिलता है तो आपकी सेल्फ में पैनिक पैनिक आने लगता है, आप खड़े हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। जैसे माफ करिएगा, एक व्यक्ति का उदाहरण दे रहा हूँ। दिग्विजय अभी यहाँ कुछ बोल रहे थे तो थोड़ा अटक रहे थे, कुछ बात थी ना। अब वो क्या था, नींद की जगह यदि एक सो कॉल्ड हिंदुस्तान के टॉप अंग्रेजी स्कूल के पढ़े हुए एक बच्चे को खड़ा किया जाता तो वो सारी इतनी बता देता कि सब कुछ, लेकिन वो थोड़ा अटक रहे थे। कारण क्या था, कारण ये है कि आपके सेल्फ का कंट्रोलर आपका स्कूल होता है, आपका परिवार होता है, आपका समाज होता है। और जब आप खड़े होकर बोलना शुरू करते हैं तो वो सब अचेतन रूप से अनकॉन्शियसली आपके माइंड के अंदर होते हैं, क्योंकि आपने वैसा किया नहीं है। तो सवाल ये है, हम सभी को पत्र लिखना आने चाहिए, हम सभी को खड़े होकर बोलना आना चाहिए। हमें यदि घबराहट होती है तो हमें खड़े होना चाहिए, हमें उसे देखना चाहिए घबराहट हो रही है, अगले दिन फिर देखना चाहिए कि हमें क्या हुआ, पसीना आया, फिर खड़े होकर देखो, तीन चार बार देखोगे छठी बार खड़े हो ही जाओगे। ये हमारे ट्रेनिंग है और ये हमें नहीं मिली। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल एंजाइटी, शेम और होपलेसनेस के शिकार हो जाएं। इसका मतलब केवल ये नहीं है, इसका मतलब ये है यदि हमें कोई महान टीचर नहीं मिला तो हमारी टीचर एक चींटी, हमारी टीचर चींटी, वो जाती है, गिरती है, पढ़ती है, लेके आती है, 100 बार जाती है, 100 बार आती है। तो सवाल क्या है, सवाल ये है कि वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट दैट हमारी जो ओवरऑल हमारे बारे में अपने बारे में जो राय होती है, अपने बारे में जो राय होती है वो हमारी अपनी नहीं होती है, वो राय प्रोजेक्शन है। और वो कौन प्रोजेक्ट कर रहा है, किसका कंप्यूटर है, किसका सॉफ्टवेयर है, ये जानना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी एंड नेक्स्ट टू दिस द सेल्फ चेंज इज नॉट कॉन्स्टेंट। Retrospect of destruction, broken, destroyed, but sometimes stronger, hateful, not wanting to be there at all. और कई बार ऐसा वक्त भी आता है जब आपकी सेल्फ कहती नहीं मुझे जाना ही है, ऐसी भी स्थिति आती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा क्लास में, नहीं प्रेजेंटेशन में नहीं कर सकता, नहीं मैं नहीं खड़ा हो सकता, मैं ये एग्जाम दे ही नहीं सकता, मुझे नहीं मैथ्स मुझे नहीं आता,
मुझे मेरे सब घर वालों ने कहा कि तू अंग्रेजी नहीं सीख सकता, तुझे हिंदी नहीं आ सकती है, तू बोल नहीं सकता या तू बोल नहीं सकती है। बहुत इतने सारे बिलीफ हमारे अंदर हैं और सबके साथ ये जुड़ा हुआ है, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है? जो भाग्य में लिखा है, यदि भाग्य में लिखा वो कर सकता हूं, तब तो मैं भाग्य क्यों कहूं उसको? सीधा सीधा कह दूं कि मेरे कंट्रोलर जो है वो सोसाइटी में है, भाग्य कहां से कंट्रोल करेगा? भाग्य ने तो मुझे बना दिया, वननेस के साथ पैदा किया है, भाग्य ने मुझे ये कहा है कि सांस लो इसी ऑक्सीजन के अंदर। लेकिन ऐसे कौन है जो मुझे कहते हैं नहीं सांस आप यहां नहीं लेंगे? सो व्हाट इज द पॉइंट दैट इस तरह की जो बहुत ट्रैजेक्टरीज हैं, इस तरह की जो बहुत उतार चढ़ाव हैं, इन्हें हमें जानना तो पड़ेगा। और जहां तक मैं समझता हूं, मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप इन तमाम उतार चढ़ाव से कैसे गुजरते हैं और उसको कैसे आप संभालते हैं, क्योंकि संभालना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप संभाल नहीं पाते हैं अपने ही दिमाग का अन्य लोगों द्वारा क्रिएट किया हुआ बोझ, तो वो आपके शरीर को और दिमाग को लेके गिरता है। दिस शुड बी वेरी क्लियर, वी शुड नॉट बी इन एनी डाउट दैट अदर पीपुल हु क्रिएट अदरनेस इन अस, अदरनेस अभी आएगा आगे, जो हमारे अंदर एक ऐसा सेल्फ बनाते हैं, और यदि वो बोझिल भारी है, आप कितना ही चिल्लाते रहना, कॉन्फिडेंस है, कुछ करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, पक्का इरादा है, ये सब फालतू बातें हैं। आई टेल यू वेरी वेरी क्लियरली, आई एम एसोसिएट साइकोलॉजिस्ट ऑफ सम काइंड, लेट अस नॉट be governed by the slogans, be confident, never feel defeated. Now don't lie. If yourself is being controlled by something else, you are defeated. Yes, you are defeated. You may chant this slogan for 20 years, I am confident, but it doesn't bring any confidence. It should be very clear. And I can support 1,000 researchers of the modern psychology for this of my state. A life or self का एक versus मामला है, ठीक है? इसलिए हमें ये नहीं मानना है कि self और life एक ही चीज़ है, ठीक है? This is very important. Life वास्तव में self नहीं है. Life self नहीं है. Life इसलिए self नहीं है कि हमारा इस दुनिया में life होना एक natural घटना है और self होना एक सामाजिक घटना है. लाइफ हमारा नेचुरल घटना है और सेल्फ होना हमारा सामाजिक घटना है। इसलिए हमें ये बहुत स्पष्ट रखना चाहिए कि सेल्फ हमें सबसे ज्यादा परेशान कब करती है, जब वो मैं अपनी सेल्फ मान लो उसको प्लग मानता हूं और किसी में हुक करना चाह रहा हूं, प्लग इन करना चाह रहा हूं, वो होती नहीं है। जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूं, आपको कुछ बताना चाहता हूं, आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाते। कारण क्या है उसका? इसका मतलब हमारी तो दोनों की सेल्फ है, उन सेल्फ के अंदर या तो कोई हायरार्की है या उसके अंदर एक सीरियस कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसमें कोई प्लगिंग का कोई जगह ही नहीं है, देयर इज नो स्पेस। सो डिफरेंस इन स्टिग्मा, वहां से जब आप प्लग इन नहीं कर पाते हैं तो नॉर्मली आपको स्टिग्मेटाइज किया जाता है। जब आपका सेल्फ का सेल्फ आप प्लग नहीं लगा पाते और उधर से कोई प्रवाह नहीं होता, करंट नहीं आता, तो आपको कहा जा सकता है कि यार इसलिए तुम्हारे सेल्फ काम नहीं कर रही क्योंकि तुम्हारे पूर्वज नीचे जाते हैं। और ये भी कह सकते हैं नहीं नहीं तुम्हारा ना तुम मेरे गवार से लगते हो, ये कह सकते हैं नहीं तुम तुम्हारा रंग सही नहीं है, तुम्हें कहा ऐसे लगते ही क्योंकि तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सीईओ होना चाहिए, तुम तो ऐसे काले लगते हो, ऐसे लगते हो, फिर किसी को कहें तुम तो बहुत मोटी हो, पतले छोटी है, तुम्हारे अंदर ऐसा लग, या आप ऐश्वर्या राय जैसी हो, या आप, तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि हमारे दिमाग में ऐसी ऐसी चीजें सेल्फ इमेज की इंडस्ट्री से चल के आती हैं। सेल्फ इमेज हमारी बनाने की जो इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री हमें बताती है कि तुम्हारा प्लग कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जीवन ने वैसा नहीं बताया था, लाइफ ने तो हमें नहीं बताया था कि हमारा कलर ऐश्वर्या राय जैसा नहीं होगा तो फिर हम तो किसी लाइफ नहीं। ये जो इमेजेस है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो स्टिग्मा होता है वो हमें
प्लग इनसे बहुत दूर लेके चला जाता है। अब सवाल क्या आता है, सेल्फ वांट्स टू कंफर्म इट्स एग्जिस्टेंस एंड इंपॉर्टेंस। मेरे पास एक सेल्फ है, मेरा नाम विनोद वर्मा है, ये सेल्फ चाहती है कि मेरी सेल्फ चाहती है कि इसका एग्जिस्टेंस और इसका इंपॉर्टेंस कंफर्म हो, लेकिन कोई भी ये कह ही नहीं रहा कि वो कहते हैं कि नहीं भाई, टैलेंटेड वही है जिसको जिसके नाम के पीछे ये जाति लगी हो और वो गणित ज्यादा जानता हो और डांस ना करता हो, या वो भाषा ऐसी जानता हो लेकिन अपने दबे कुचलेपन की कविता ना लिखता हो। यानी सवाल क्या है, सवाल ये है कि मतलब जब जब आप अपनी सेल्फ को कंफर्म करना चाहेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस को कंफर्म करना चाहेंगे, आपका डिसअप्रूवल होगा, आपका रिजेक्शन, वो आपके घर में भी हो सकता है, वो आपके स्कूल में हो सकता है, वो आपके कॉलेज में हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, वो आपके दोस्त भी कर सकते हैं। यानी इस बात को अप्रूव करना कि आप में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हम रिस्पेक्ट करते हैं, इसकी जगह ये कहा जाएगा आप में जो डिफरेंस है ये डिफरेंस क्यों है, यही तो जड़ है सारी की सारी विवाद की, आपके अंदर ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सवाल इस तरह से उठता है। सेल्फ को हमने कई तरह से देखने की कोशिश की है और हम ये दो तीन चीजें मान गए हैं, जानते हैं कि वो एक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, इसलिए हम उसको अन्य चीजों से कंफ्यूज नहीं करेंगे, सोल से या तमाम तरह की चीजों से। और इसके अलावा ये है कि वो बोर नहीं होता, यानी हमारे साथ नहीं आता। तीसरी बात ये है कि हम सब इस दुनिया के अंदर वननेस में है, असल में तो हम सब वननेस में हैं। आइंस्टीन भी ये कहते हैं और बहुत सारे फिलोसफर्स भी कहते हैं और सामान्य आदमी भी बहुत बार कहता है इस बात को, लेकिन सेपरेटनेस यानी सेल्फ सेपरेटनेस है, वो सेपरेटनेस हमारे अंदर एक रूप से हमें अपनी आइडेंटिटी और संभालने के लिए दी जाती है कि हाँ भाई आप अकाउंटेबल हैं, आप अपने काम के लिए, आपका ये नाम है, आप ये करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे उस सेपरेटनेस को, उस सेल्फ को डिफाइन करने के जो टूल्स हैं वो टूल्स आपकी पूरी सोसाइटी के अंदर फैले होते हैं और उन टूल्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि क्या मेरी सेल्फ प्रोडक्टिव बनेगी, क्या मेरी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बनेगी, क्या मेरी सेल्फ में डिप्रेशन होगा, क्या मेरी सेल्फ में एंजाइटी होगी, क्या मेरी सेल्फ के अंदर हेट होगी या स्ट्रेंथ होगी, ये बहुत सारी चीजें एक बड़े दायरे के अंदर ऑपरेट करती हैं। और इसी को कंफर्म करने के लिए हम कोशिश करते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि बिना सेल्फ के कोई इंटरफेसिंग नहीं हो सकती। इंटरफेसिंग का मतलब है जैसे मेरे और इनके बीच में या आपके या मेरे बीच में, आप तमाम के बीच में जो कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं वो ट्रांजेक्शन यदि सेल्फ नहीं है तो नहीं हो सकते, लेकिन उन ट्रांजेक्शन की क्वालिटी भी इस बात से निर्धारित होगी कि सेल्फ की क्वालिटी क्या है, जो ट्रांजेक्शन में लगे हुए लोग हैं उनकी सेल्फ की क्वालिटी क्या है, इससे भी वो ट्रांजेक्शन की क्वालिटी निर्धारित होगी। इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है कि यदि आप, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और हम मिलकर के कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं तो हमारी क्वालिटी में अंतर आएगा, लेकिन यदि मैं आपके घर पानी पीने आता हूँ और आप कहते हैं कि आप ऐसे करो और आपको मैं ऐसे पानी डालूंगा क्योंकि आप तो अनटचेबल है, तो क्वालिटी में बिल्कुल अलग तरह का फर्क आएगा, दोनों में बिल्कुल फर्क आता है, एक में प्रोडक्टिविटी आ रही है और दूसरे के अंदर एक नियंत्रण आ रहा है, आपके शरीर को डिफाइन किया जा रहा है और उसको डिफाइन करने वाला अपने आप को भी डिफाइन कर रहा है। सो इंटरफेसिंग, नॉर्मली वी लिसन टू दिस वर्ड इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एजुकेशन, इंटरफेसिंग बिटवीन और अमंग कंप्यूटर्स, बट इंटरफेसिंग इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ सोशल इंटरेक्शन, यू नो, विदाउट विच, एंड उसके लिए ये जरूरी, इसके बिना नहीं हो। और जब आप इंटरफेसिंग पे आते हैं निश्चित रूप से आप कोई प्लान्स हैच नहीं कर सकते यदि आपकी इंटरफेसिंग के अंदर पॉजिटिव प्रोडक्टिव क्वालिटी नहीं है, आपके प्लान्स फिर कुछ भी हो सकते हैं।
ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको और अन्य लोगों को तबाह कर रहे हैं, ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आप अपने आप को इतना ज्यादा गिरा करके देखते हैं कि आप अपने आप को संभाल ही नहीं पाते, ये भी संभव हो सकता है, या अपने आप को इतना सुपीरियर मानते हैं कि आपको अन्य लोग नजर ही नहीं आते, ये भी संभव। तो ये बहुत एक बड़ा ऐसा खेल है जहां पे नजर को, अवेयरनेस को, एनलाइटनमेंट को बहुत संभाल के रखने की जरूरत पड़ती है, जो भी उसमें फिर कलर आता है, हिस्ट्री आती है, और वहां पर फिर एक अदरनेस का सवाल भी आ जाता है। अदरनेस का मतलब है, इन दिस फॉसिल वर्ल्ड आई डिड नॉट रियली एग्जिस्ट। यदि ये भाव हमारे अंदर आ जाता है किसी में कि भाई मेरी तो यहाँ कोई औकात नहीं है, मुझे कोई सुनता नहीं है, मेरी कोई बात मानता नहीं, मैं तो सारा दिन अन्य लोगों का ही एक तरह से बस वो फॉलो करता रहता हूँ, तो फिर आपके अंदर एक भाव पैदा होगा जो सेल्फ आपकी होगी वो अदर, अदरनेस का आएगा। अब ये जो अदरनेस है वो आपको बार बार कहेगी यार आप तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, यू डोंट एग्जिस्ट। अब ये तो बहुत बड़ा सवाल है हमारे यहाँ प्रोडक्टिव लाइफ के अंदर, कितने इतने लोग हैं जो ये कहते हैं हम एग्जिस्ट करते हैं और हमें कोई रिकॉग्नाइज करता है आप एग्जिस्ट करते हैं, फिर हम मिलकर के कुछ करते हैं कि हाँ भाई हमारा एग्जिस्टेंस सबका है, और उसमें एक खास किस्म की एक इगलिटेरियनिज्म है, उसमें एक खास किस्म का एक भाईचारा है, उसमें खास किस्म की एक समानता है, और वहां पे हम काम करना शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा यदि नहीं होगा तो फिर आप अंततः यही निर्णय लेते हैं कि मैं अदर हूं, मैं वो नहीं हूं। जिस दिन ये घटना हो जाती है कि मैं वो नहीं हूं जो आप है, शायद किसी भी समाज और किसी भी राष्ट्र के लिए इस सबसे भयानक डिस्ट्रक्टिव घटना जो उसके नागरिक को अन्य नागरिक के साथ में ये भाव दे देती है, भिन्न का भाव नहीं है, इट्स नॉट डिफरेंस, इट इज अदरनेस। अदरनेस इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंस, ऑल विल बी डिफरेंट, देयर विल नॉट बी मोनोलिथिक और होमोजेनाइटी, पीपल हैव टू बी वेरी डिफरेंट, ऑल प्लांट्स, ऑल बर्ड्स, ऑल इंसेक्ट्स हैव टू बी डिफरेंट, बट देयर शुड नॉट बी अदरनेस। ऐसा ना हो कि कोई शेर के सामने एक चूहा ये कहे कि यार मेरी तो औकात क्या तुम्हारे सामने से, ये अदरनेस है, भिन्नता है लेकिन अदरनेस है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यहां से बहुत सारी चीजें तय होती है हमारे मनोवैज्ञानिक जीवन के बारे में, और इसमें आगे चलते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑफकोर्स एनोमली का सवाल आता है कि मैं एनोमलस हूं, है ना, आप उस ग्रुप में काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किसी कॉलेज में हैं, किसी कॉर्पोरेट हाउस में हैं, किसी और ऑफिस में हैं, या अपना निजी व्यवसाय करते हैं, तो यदि वहाँ ग्रुप फंक्शनिंग के अंदर किसी को भी ऐसा लगता है कि नहीं मैं इनके साथ फिट ही नहीं बैठता, तो ये चीज़ इस चीज़ को तुम्हें डेफिनेटली हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि ये जो भाव वहाँ पैदा हो रहा है, इस भाव के साथ साथ इसका मतलब वहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ गड़बड़ है, और वो इस लेवल तक है कि कुछ लोगों के अंदर ये लगने लगा है कि उनकी टैलेंट को रिकॉग्निशन नहीं है। अब टैलेंट कोई जरूरी नहीं है कि हाथी की टैलेंट और बंदर की टैलेंट एक जैसी हो, कोई जरूरी नहीं है। आप अब हाथी से ये टेस्ट लेंगे कि चलो चल के दिखाओ क्या 3 मिनट में तुम पेड़ पे चढ़ सकते हो, हाथी से पूछेंगे तो हाथी तो नहीं चढ़ पाएगा, और बंदर से कहेंगे कि हाँ आप 3 मिनट में पेड़ पर चढ़ सकते हो, चढ़ सकता हूँ, चढ़ के दिखा देगा 100 में से 100, हाथी को 100 में से 0। अरे सवाल क्या हुआ, सवाल ये हुआ इसका मतलब कि हमें हजारों तरह की टैलेंट्स को पहचानना पड़ेगा, हमारे जितने सेंसेस हैं उतनी टैलेंट्स है, मूवमेंट में उतनी टैलेंट है जितनी माइंड में, मैथमेटिक्स में उतनी टैलेंट है जितनी गले के सुर में। तो टैलेंट को कैसे हम किसी एक मापदंड पर रख करके माप सकते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल, सो वी हैव टू डेफिनेटली रिकॉग्नाइज thousands kinds of talent to create a pool of the talent, जिसको normally हम genetic pool कहते हैं, तो society के अंदर या किसी राष्ट्र के अंदर definitely talents का pool हो सकेगा, nice करना पड़ेगा। अब ये एक theoretical background मैं आपके सामने पेश
क्या है जिसमें सेल्फ को इस तरह से मैंने डिफाइन किया है कि वो प्रोजेक्शन है। आप उस प्रोजेक्शन को ऐसे नेचुरल मत मानिए कि वो प्राकृतिक है, उसको ढोइए मत, उसको गौर से देखिए, अवेयर होके देखिए। वो सेपरेटनेस एक लेवल पे बहुत जरूरी है हम सबको सिटीजन बनाने के लिए, लेकिन दूसरे लेवल पे हमें क्वेश्चन भी करना पड़ सकता है कि सेपरेटनेस कहीं हमें दास्तों भी बना सकती है और हमारे टैलेंट को खत्म नहीं कर सकती है। और जो तीसरी बात है वो ये कि जब हम इस पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं, हमारे भीतर वो व्यक्ति या वो सेल्फ का निर्माण होता है जो हमारे जीवन के तमाम इश्यूज को हैंडल करेगा। ये मैंने बताया था कि सेल्फ बदलती है, सेल्फ इज नॉट कॉन्स्टेंट, वो चेंज होती है। 10 तरह की पीड़ाओं में से आप गुजरते हैं तो 11वीं पीड़ा आते आते आपको आपकी सेल्फ में एक नया चेंज आता है और उसी दौरान कोई मिल जाता है। हॉस्पिटल के अंदर पीड़ा में आप गुजर रहे हैं और अचानक कोई बहुत ही दयालु नर्स का आपको एक वाक्य ऐसा लग जाता है कि आप वहां से संभलना शुरू हो जाते हैं। तो ये संभव है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपको हरदम पेन से गुजरना होगा। कोई उड़ती हुई तितली को देख करके या उसके रंगों को देख करके हो सकता है आप में जीने की इच्छा जाग जाए, वो भी है। इसलिए सेल्फ बदलती है, सेल्फ कॉन्स्टेंट नहीं रहती है, लेकिन बदलने के चांसेस को हमें बनाना पड़ेगा। वी हैव टू गो, वी हैव टू वॉक, वी हैव टू रीच प्लेसेस। We can't sit ourselves, make ourselves sit in a closed condition, closed room, in a depressed room. हम ये कह करके अपने आप से पीछा नहीं छोड़ा सकते कि हम तो नीची जाति में पैदा हुए या ऊपर में पैदा हुए या कहाँ पैदा हुए। नहीं, ये सारा सोशल कंस्ट्रक्शन है और हमारे जीवन में हमारे पास में एक बॉडी ऐसी है जिसमें इतने सेंसेस है और वो वॉक कर सकती है, वो जंप कर सकती है, वो जा सकती है, इंटरफेस कर सकती है, वो ग्रो कर सकती है, वो दूसरे की मदद कर सकती है और वो लगातार अपनी सेल्फ को अलग रख के दूसरों की सेल्फ को अपने भीतर ला करके जिंदा रहने की कोशिश कर सकती है। दिस इज अ फैक्ट। द बेस्ट पीपल आर दोज हु डू नॉट हैव सेल्फ। सबसे बढ़िया दुनिया में वो लोग होते हैं जिनके सेल्फ होता ही नहीं है, क्योंकि वहां इतनी खाली जगह होती है किसी की सेल्फ को भी वो अपने अंदर ले सकते हैं और जी सकते हैं, किसी की पीड़ा को अपना बना सकते हैं, किसी के ज्ञान को अपना बना सकते हैं, किसी से दोस्ती कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपने यदि रिजिड सेल्फ का निर्माण कर लिया है तो बहुत मुश्किल होगी। इसलिए ऑफकोर्स प्रैक्टिकल जीवन में आपके पास सेल्फ होता है, आपको आपके राष्ट्र में मनी है, आपके राष्ट्र में गवर्नमेंट है, आपके राष्ट्र में कानून है, वहां पे आपकी सेल्फ को काम करना पड़ेगा, ये सही है। तो दोनों तरह की पोजीशंस लेकर के आती है यहां पर। और इन ये जो हैंडलिंग कैपेसिटी है सेल्फ, ये हमारी एजुकेशन में रोल अदा करती है। ये क्या रोल अदा करेगी, ये हमें ये बताएगी यदि आप कुछ करना चाहते हैं और आपका सेल्फ ही कहता है कि नहीं आप ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी टीचर ने कहा, क्यों आपकी मदर ने कहा, क्यों आपकी कास्ट ऐसी नहीं है, क्यों आपकी क्लास ऐसी नहीं है, क्यों आपका रंग ऐसा नहीं है, क्यों आपका नाक ऐसा नहीं है। यदि सारे सवाल आपके दिमाग में उठते हैं तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आप एजुकेशनली, अकेडमिकली, सोशली, प्रोफेशनली, साइकोलॉजिकली बहुत लो परफॉर्म करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने उन चीजों को फैक्ट्स मान लिया है जो आपके अंदर प्रोजेक्शंस हैं। सारे प्रोजेक्शंस आपके फैक्ट्स बन जाते हैं। आपका नाम, आपकी पहचान, आपका इतिहास, आपका घर, सब फैक्ट्स बन जाते हैं, जबकि वो सारे दिए हुए प्रोजेक्शंस में आते हैं। इसलिए कितना भार हम उठा सकते हैं एजुकेशन में, कितना भार हम उठा सकते हैं परफॉर्मेंस के दौरान, कितना भार उठा सकते हैं हम अपने टारगेट डिसाइड करके, कितना भार उठा सकते हैं हम पर्पसेस डिसाइड करके, ये बात इस बात से बिल्कुल डिसाइड होगी कि आपके सेल्फ में कितना भार उठाने की एबिलिटी है, कितना भार उठाने की कैपेसिटी है और कितना पोटेंशियल आप उसमें देखते हैं और उन तमाम चीजों को अलग रखते हुए जो आपकी सेल्फ को डिस्ट्रॉय करते हैं। थैंक यू वेरी मच।